बार तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 87। में कितने एटम्स है?
टू एन ए, 32 ग्राम में कितने एन ए एटम्स है, 2 एन ए, तो पूछा किसके लिए है, 8 के लिए, तो हम लिख सकते हैं 32 ग्राम में 2 एन ए एटम्स रहेंगे, तो 8 ग्राम में कितने एन ए एटम्स रहेंगे, कितना आएगा, 0.5 एन ए एटम्स। हमको कितना चाहिए था, 0.5, यहाँ कितना मिला, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी, पक्का, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को देखो, फिर ऑप्शन को देखो। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो एक बार, तो खड़े हो, क्वेश्चन नंबर 80 एंड क्वेश्चन नंबर 91 बोथ आर सिमिलर, पर कितना है कि वहां पे हमको मोल्स पूछा था, यहाँ पे हमको क्या पूछे है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं।
बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सही है। उसको कैसे सॉल्व किया था, इसी को क्या लिखा था, 22.4 लीटर का मतलब कितना मोल, का मतलब कितने मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, सही है गलत। यहाँ पे भी इसी को यूज करेंगे, बैठो आप लोग। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 91। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, 24 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अरे 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एनए मॉलिक्यूल। तो पूछा किसके लिए है, 89.6 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, x equals to 89.6 upon into Na upon 22.4, calculation कर लो, answer मिल जाए। आयोडीन मतलब आई टू की बात की है,
आयोडीन मतलब आई टू की बात की है, ठीक है। आई टू का वन मोल के पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एटम्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल, एन ए मॉलिक्यूल, एटम्स कितने रहेंगे, टू एन ए एटम्स। इसका मास कितना रहेगा एक आयोडीन का, 127। कैसे पता है, क्वेश्चन नंबर 100 देखो, चीटिंग ऐसे ही होती है, लेकिन तरीका आना चाहिए। नीचे गिवन है उसका एटॉमिक मास नंबर, तो 8 का 127, तो 2 का 254, ठीक है। तो 254 ग्राम में कितने एटम्स हैं, और मोल्स कितने रहेंगे। अब ये स्टैंडर्ड, अब उन्होंने क्या एटम पूछे, एटम पूछे ना, 0.1 ग्राम एटम का मतलब मास 0.1 ग्राम है या मोल 0.1 है, मोल 0.1, 1 मोल में कितने एटम्स हैं, तो 0.1 मोल में कितने एटम्स रहेंगे, 0.2 Na एटम्स। सही है गलत, अरे क्लियर हुआ ना, 1 मोल के पास कितने एटम्स हैं, तो 0.1 के पास कितना रहेगा, 0.2। दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोला है, 0.25 मोल ऑफ ओजोन, ओजोन मतलब O3 एटॉमिक नंबर, सॉरी 6 एटॉमिक नंबर, 8 एटॉमिक मास नंबर 16, तो ये रहेगा 48U। सही है, तो कैन आई राइट 1 मोल इक्वल्स टू एटम मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल मास कितना होगा 48 ग्राम, एटम्स कितने रहेंगे, थ्री एन ए एटम्स कितने रहेंगे, थ्री एन ए एटम्स, ठीक है। थ्री से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना है, थ्री। बैक टू क्वेश्चन, 0.25 मोल ऑफ ओजोन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ओजोन के पास कितने एटम्स है, थ्री एन ए, तो 1 मोल के पास 3 Na एटम्स है, तो पूछा क्या है, 0.25 मोल के पास कितने एटम्स रहेंगे। सही है, क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इक्वल्स टू 0.25 इंटू 3 इंटू Na, क्या रहेंगे एटम, कितना आना चाहिए, 0.75 Na एटम। अरे थोड़ा सा मैथ मुझे भी आता है, ऐसा सिंपल वाला, तो सही क्या, ऑप्शन सी 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का 1 मोल, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। तो ये एटम है मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल, तो मास कितना रहेगा, 342 ग्राम, क्या पूछा है, 342 ग्राम, एटम पूछे, हां यस यस ओके, एटम कितने रहेंगे, 12 + 22 + 11 45 Na एटम्स का मास रहेगा 342 ग्राम, तो पूछा किसका है, 3.42, कितना आएगा, 0.45 Na एटम्स, इसमें 3.42 ग्राम, सही है। अरे 3 और 2 में कितने हैं, कितने हैं, 45 Na, तो पूछा किसके लिए, 3.42 में कितने रहेंगे,
एक्स इक्वल्स टू 3.42 इंटू 45 इंटू एन ए अपॉन 3.42। ठीक है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या बोलता है? 1% 90 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, आइस का मतलब होता है H2O। क्या होता है? H2O। 1 मोल ऑफ आइस लिया तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? Na। और मास कितना रहेगा? 18 ग्राम। एटम्स कितने रहेंगे? 3 Na। और मास कितना रहेगा? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में कितने एटम्स है? 3 Na। तो पूछा किसके लिए है? 90 ग्राम। किसके लिए? 90 ग्राम। 90 ग्राम का 1% बोला है, 90 ग्राम नहीं बोला है, 90 ग्राम का 1%। 90 ग्राम का 1% कितना हुआ? अरे 90 का 10% होता है 9, तो 1% कितना होगा? 9। तो जब 18 ग्राम में 3 Na एटम्स हो गए तो पूछा हुआ है 0.9 ग्राम में कितने एटम्स रहेंगे? x इक्वल्स टू 0.9 इंटू 3 इंटू Na डिवाइडेड बाय 18 और ये रहेंगे एटम। कैलकुलेशन करो, किसी का आवाज नहीं आएगा बिना पूछे। कैलकुलेशन सबको करना है।
लैंग्वेज कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी वो बोलो, जरूरी नहीं कि इंग्लिश बोलो, गुजराती को समझ में आ जाती है। मैंने आपको बोला है सूरज नगर से अहमदाबाद जाना है, कितना खर्चा आएगा? अब ये डिपेंड करता है आप कैसे गए, ट्रेन से जाओगे तो कम आएगा, बस से जाओगे तो ज्यादा आएगा, ऑटो करके जाओगे तो और ज्यादा आएगा, ठीक है। मैंने पूछा आपको आप अहमदाबाद जाओगे तो कितना खर्चा आएगा, और ब्रैकेट में लिख दिया ऑटो का 1 किलोमीटर का खर्चा है 2 रुपए,
तो मैं आंसर एक्सपेक्ट किससे करूंगा? ऑटो से, बस से, ट्रेन से? क्यों? क्योंकि मुझे आंसर ऑटो के हिसाब से चाहिए, इसलिए तो मैंने ऑटो का रेंट दिया है ना, ट्रेन का नहीं दिया। समझ गए मेरी बात को? यही क्वेश्चन में है। जो ऑप्शन बी है उसमें डेंसिटी इज गिवन, ऑप्शन बी में डेंसिटी दिया हुआ है। पर जब भी कुछ गिवन होता है तो समझ जाना वहां से हिंट होती है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस हिंट को यूज करना है। उस हिंट को क्या करना है? यूज करना है। कैसे? मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिला है नहीं मिला वो दूर की बात है, मैं बस ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि आंसर बी ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मुझे बस क्रॉस चेक करना है उसको सॉल्व कैसे किया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन बी पढ़ो। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? 96। The largest number of nitrogen atoms are found in, मतलब नाइट्रोजन एटम्स को काउंट करना है बाकी कौन है? ऑप्शन ए क्या है? कौन है? NO2। पहले इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं। वन मोल इक्वल्स टू एटम से मॉलिक्यूल से होगा। कितने एटम्स है? एनए एटम। तो पूछा किसके लिए है? 50 ग्राम में कितने एटम्स हैं? क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी, क्योंकि आंसर चाहिए मुझे, जिसको पूछूंगा वही बताएगा।
इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम्स रहेंगे?
इक्वल्स टू एन ए एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मास कितना रहेगा 44 ग्राम। नाइट्रोजन के कितने एटम्स रहेंगे 2 एन ए एटम्स कितने ग्राम में 44 ग्राम में। तो 44 ग्राम में 2 एन ए एटम्स रहेंगे पूछा किसके लिए है 25। तो 44 ग्राम में 2 एन ए एटम्स रहेंगे तो पूछा हुआ है 25 ग्राम में कितने एटम्स रहेंगे। x equals to 25 into 2 into Na upon 44 atoms. तो कैलकुलेट आवाज किसी का नहीं आएगा। ठीक है 96 हो गया 97 पढ़ जाओ आंसर नहीं आ रहा सही हो
भी होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पूछा है 97 ना। ओके ट्राई करते हैं, क्लास शुरू करता हूँ 97। क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले कौन बोला है, वाटर। तो वाटर का वन मोल मॉलिक्यूल्स रहेंगे Na, मास कितना रहेगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में Na मॉलिक्यूल, तो पूछा किसके लिए है, 34 ग्राम में कितना रहेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, तो लिख लेते हैं 2Na, अप्रोक्सीमेट लेके देखते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेशन का आंसर आ गया तो ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, 28 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। ये 2 से ज्यादा रहेगा, 2 से कम रहेगा, कम, तो कहने रहे 1.8, ठीक है। दूसरा कौन है, CO2, CO2 का 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, मास कितना रहेगा, 44 है। तो Na मॉलिक्यूल्स रहेंगे 44 के पास, पूछा किसके लिए है, 28 ग्राम, देयरफॉर x कितना आ रहा है, 0.6, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या बोला है, 46 ग्राम ऑफ CH3OH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये हो गया 15 और एक 16 और ये 16 32, लिखेंगे 1 मोल के पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे Na और मास रहेगा 32 ग्राम, और पूछा किसके लिए है, के लिए कितना, 1.43 Na हो गया। ऑप्शन डी, इसके बारे में पूछा हुआ है, N2O5 ये कितना रहेगा, 28, ऑक्सीजन का कितना आता है, 60 into 5 18, कितना हो गया 108, ठीक है। तो 108 पे कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे Na, तो पूछा किसके लिए है, 54 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कितना रहेगा 108 ग्राम के लिए Na, डबल है, इसके पास कितना एटम्स है, 1.8, इसके पास 0.6, इसके पास 1.4, इसके पास 2, लार्जेस्ट पूछा है स्मॉलेस्ट, ठीक है, ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। 98 इसके जैसे तो है, पर ट्राई करो 98 नहीं हुआ तो बोलना, 99 खड़े जाओ, ट्राई एटॉमिक गैस का एग्जांपल बोलो, एग्जांपल O3 बेटर, O3 देखो, 1 मोल इक्वल्स टू कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, कितने एटम, 3 Na एटम, पक्का, तो 1 मोल में कितने एटम्स है, अब क्वेश्चन को पढ़ो,
है जैसे पक्का वन मोल में कितना एटम्स है दूसरा किसके लिए 0.1 मोल के लिए कंटिन्यू करो इतना तो आता है फिर भी पूछते हो ये वाला परेशान करने के लिए मिल गया आंसर नहीं मिला हाँ अरे हाँ या नहीं जिनको आंसर नहीं मिला वो खड़े हो जाओ जल्दी वन मोल के पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे Na के पास एटम्स रहेंगे 3 Na वन मोल के पास 3 Na एटम्स है तो पूछा किसके लिए है इतना बड़ा कैलकुलेशन है देखो अरे हंसना क्या सही तो बोला मैंने हो गया इक्वल्स टू 0.3 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स आवाज किसी का नहीं आएगा मुझे पता है कुछ गड़बड़ कहां पे हो रही है एक्सपेक्टेड है आफ्टर कंप्लीशन बैठ जाना है फाइनल आंसर मिलने के बाद ट्राई करो नहीं आता है तो पूछ लेना बस निकाल देना